चलिए, ये सबसे पहले हम बता दें आपको कि 38,000 जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर से मतलब है। ये एक तरह से लॉलीपॉप जो है अगस्त माह नहीं बल्कि जुलाई से ही दिखाया जा रहा है। 15 अगस्त, फिर नवंबर में दिवाली से पहले कई घरों में मिठाइयां भी बट गई। मैं आपको बता दूं ऋचा, कई घरों में मिठाइयां बट गई। कुछ लोग हमें भी बोले कि सर अगर इस बार सही हुआ तो मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। मैंने कहा पहले आपका मुंह मीठा हो जाए फिर मैं मिठाई खाऊंगा। ये सिलसिला है। उसके बाद बता दूं आपको कि चलिए, एक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन को लेकर भी सरकार लगातार चुपचाप बैठी तमाशा देख रही थी। मैं उस पर भी बता देता हूं, जो 94,000 सीटों पर आपका काउंसलिंग हुए हैं, उन जितने भी अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग हुई है, जिनका चयन हो गया है, कुल 38,000 अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी पूर्ण हो चुका है। ये भी हम खबर ब्रेक कर रहे हैं, अब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं बचा है। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि 80%, 85%, 70% वेरिफिकेशन हुआ है, तो मैं आपको बता दूं 31 अक्टूबर तक सभी डीओ को निर्देश दिया गया था कि आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करने में मदद करें। ये हमारा लास्ट टारगेट है, लेकिन वो टारगेट था उसके बाद जो 15 नवंबर की बात आई है, पिछले 15 नवंबर को यह आंकड़ा पूरा कर लिया गया है। अब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए ड्यूज नहीं बचा। ये बड़ी खबर है ऋचा कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के नाम पर स्टूडेंट को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा था। दूसरी बड़ी चुनौती थी पंचायत चुनाव, लेकिन अब पंचायत चुनाव के बाद आपको नियुक्ति पत्र कब मिलने वाला है, चलिए जानकारी दे देते हैं। नए साल में आप लोगों को खुशखबरी मिल रही है। ये तारीख मात्र एक दिन रखा गया है। शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है कि हम जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं, 38,000 अभ्यर्थी, उनके लिए हम अलग अलग तारीख नहीं रखेंगे नियुक्ति पत्र के लिए। महज एक ऐसा दिन तय किया जा रहा है जिस दिन सभी 38,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। सबसे बड़ी खबर ऋचा, ये न्यूज ब्रेक कर रहा है खबर, हम इस वक्त देख पा रहे होंगे उनके लिए इससे बड़ी खुशखबरी कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि इतने लंबे अरसे से वो इंतजार कर रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिरकार उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार के सामने अपनी बातें भी मनवा ली कि नहीं, हमें तो शिक्षक बनना है और हम उसके लिए ठान लिए। हालांकि सरकार की तरफ से प्रयास भी किया गया, अब बारी आई थी नियुक्ति पत्र की, उस पर ब्रेक लगना था। ऐसा लग रहा था कि कब हाथ लगेगी, कब मैं शिक्षक बनूंगा, तो कहीं ना कहीं अभी, क्योंकि अभी आपने सुना भी रजनीश की, लोग कह रहे कि आंदोलन होगा, सिर्फ वही उपाय बचा है, वही एक जरिया बचा है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर मैं सरकार नहीं हूँ, मैं सिस्टम नहीं हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज को, मैं मीडिया हूँ और मीडिया वही खबर ब्रेक करती है जिस खबर में दम होता है, जिस खबर में सच्चाई होती है। हमारा पूरा प्रयास है कि हम अभ्यर्थियों के मनोबल को टूटने नहीं दें, हम शुरू से लेकर इनके हक के लिए आवाज उठाते रहे, आगे भी उठाएंगे, ये कमिटमेंट है। लेकिन अब जरूरत शायद ना पड़े, क्योंकि अब वक्त नहीं है आंदोलन का। 2021 की समाप्ति हो रही है और 2022 में इनके लिए नया सवेरा, नई उम्मीदें और नई खुशखबरी मिलने वाली है। वो तारीख है ऋचा, वो तारीख है 2022 के 5 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में। शिक्षा विभाग ने एक ऐसा दिन है जिस दिन राज्य भर के 38,000 चयनित के अलावे जो 12,500 अभ्यर्थी जिनका नियोजन अभी, जिनकी काउंसलिंग अभी बची हुई है, जिनकी काउंसलिंग 14 से 22 दिसंबर तक होने वाली है, यानी आप कैलकुलेट कर ले 38,000 और 12,500 कितना हो गया, 50,000 से ज्यादा ये आंकड़ा हो रहा है, यानी तकरीबन 50,000 650-700 के बीच जो अभ्यर्थी चयनित होंगे, उन अभ्यर्थियों को 5 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में एक ऐसा खास दिन होगा जिस दिन सभी को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। न्यूज 18 इस खबर को ब्रेक कर रहा है। ये ब्रेकिंग आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और हम ये खबर सबसे पहले ब्रेक कर रहे हैं। खुशखबरी की बात है कि आपकी किस्मत लॉक हो गई है और ये 10 दिन है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जितने शिक्षक हैं।